नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात कर रहे हैं केतु के अध्यात्म की। ये बात तो हम पिछले काफ़ी दिनों से करते हैं और आज जो हमारी राशि है वो है मकर राशि। इस पूरे दौरान में हमने जितने वीडियो बनाए आप लोगों ने बहुत सराहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ख़ास बात यह भी है जो हम सोचते हैं कि हम ग्रहों को उथला उथला समझते हैं, बहुत गहरे से नहीं समझते। हम ग्रह को एक राशि में देखते हैं, उसके बारे में किताबों में लिखा भी है और हम उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं जिस ज्योतिष को समझता हूँ उसमें हमें उस ग्रह की डिग्री पता होना चाहिए, उसका नक्षत्र पता होना चाहिए, उसका नक्षत्र का लॉर्ड पता होना चाहिए, उसके क्या गुण है अवगुण है वो सब पता होना चाहिए, फिर वो कुंडली में कैसे एंगल्स बना रहा है औरों के साथ। राजयोग की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से एंगल्स बना रहा है, फिनोमेनास बना रहा है, इन सब को अगर हम जब देखते हैं तब हम उसको ठीक से समझ पाते हैं। इतना सारा बोलना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ये सारी बातें मेरे जहन में रहती हैं, दिमाग में रहती हैं जब मैं बोलता हूँ। और ख़ास तौर से मैं नक्षत्रों की बात करता हूँ। आपने अभी तक केतु की ही बात सुनी होगी या पढ़ा होगा, केतु किस नक्षत्र में है और क्या करता है, ये मेरे ही दिमाग की उपज है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जिस विषय में भी आप जानते हों उसमें कुछ नया करना चाहिए, नयापन होना चाहिए। बाकी जो है वो तो उचित ही है, वो सारा आइडिया भी वहीं से मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की, जिसका स्वामी शनि है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि की दो राशि हैं, एक मकर है और कुंभ है, और इन दोनों राशियों में कोई समानता नहीं है। असमानताएं तो बहुत सारी हैं लेकिन समानता नहीं है। और ये राशियां के अपने गुणधर्म हैं और विरोधाभासी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन शनि इन दोनों को रूल करता है। तो ये जो इनके अंदर विरोधाभास है वो ऐसा क्यों है, और कुछ हम बातें यहाँ बता पाएंगे, सारी बातें तो मैं नहीं कर सकता। अगर मकर राशि को कुछ समझने का प्रयास करें तो मकर राशि जो है एक मूविंग राशि है, चलायमान राशि है, जबकि कुंभ जो है वो स्थिर राशि है। और मकर राशि जो है उसका संबंध ज़मीन से है, ज़मीन की राशि है, पृथ्वी तत्व है उसका, जबकि कुंभ राशि आकाशीय राशि है। तो अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़मीन की बात करती है और एक आकाश की बात करती है। तो यह इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस जो हैं हमको अपरेंटली दिखते हैं। मकर राशि की जो प्रकृति है, ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा, अनुशासनबद्ध होगा, आचरण होगा उसके पास, एक निष्ठा होगी और इतनी हिम्मत होगी कि वो किसी भी स्थिति को अपने बस में कर सकता है। और उसका मैनेजमेंट जो है कमाल का होता है, और इतना हौसला और बल रखता है कि वो पहाड़ पे चढ़ सकता है। ये तो साधारण बात है, कोई भी चढ़ जाएगा, वो पहाड़ को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो यह गुण मकर में हमको मिलता है। हार कर बैठने से बड़ा दुर्भाग्य इनके लिए कुछ नहीं होता। ये अगर हार भी जाएं तो पुनः अपने को एकत्रित करके, अपने को जोड़ के बांध के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हारने से बड़ा अभिशाप ये नहीं मानते। और अगर ग्रह दशा बहुत ही ख़राब हो और ये जीवन में हार ही जाएं, आदमी हारता भी है, सब हारते हैं, अर्जुन भी हारता है, सब हारते हैं, कभी कृष्ण भी हारते हैं, तो हार भी एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन इस राशि की खास बात क्या है,
अगर हार जाएं तो ये अपने वो किस्से सुनाते हैं जहां ये सफल हो गए थे या सफल होते होते क्यों हारे, उसमें फिर ये दोषारोपण भी औरों पे कर देते हैं। तो हारने के बाद भी इनके किस्से चलते हैं, लेकिन जनरली ग्रह अगर बहुत ही ख़राब ना हो तो ये अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल राशि है, व्यवहारिक राशि है। जो भी आदमी व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो अपनी मंजिल पाया जाता है। और दूसरा, ये तो अनुशासनबद्ध भी होते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही ज्योतिष एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मैं इतने सालों में तो इसे समझ नहीं पाया, कोशिश करता हूँ डीकोड करने की। और जब मैं डीकोड करने की कोशिश करता हूँ तो डीकोड सीधे से नहीं हो सकता। मिस्ट्री को डीकोड करने के लिए हमें प्रतीकों को ढूंढना पड़ता है। इसलिए मेरी वाणी में या मेरे कार्यक्रम में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रतीक मिलते हैं, जो उनके माध्यम से मैं ज्योतिष को डीकोड करने का प्रयास करता हूँ। केतु को हम इथीरियल प्लैनेट बोलते हैं, ईथर से उसका संबंध है। ईथर के बारे में तो आप जानते होंगे, ईथर आकाश में उड़ जाता है। और आज से 40-50 साल पहले, अब तो डॉक्टरी बहुत बदल गई, हर शहर में छोटे बड़े में एक फिजिशियन होता था, वही बहुत सारे इलाज कर देता था और लोग ठीक भी हो जाते थे। अगर मान लो किसी का नाक बंद है, गला रुंध गया है, तो डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को एक ईथर वाली बोतल छोटी सी देता था। वो बोलता था कि इससे अपने को सूंघते रहो 5-5 मिनट में, तो आधे पौने घंटे में उसका गला एकदम ठीक हो जाता था। और अगर आप साधारण आदमी उसको सूंघ लेता था तो छींक मार मार के उसकी हालत ख़राब हो जाती। तो इन दोनों का संबंध एक पृथ्वी तत्व का की राशि है और एक आकाशीय तत्व की राशि है ईथर। तो इन दोनों में जो पैराडॉक्सिकल है उससे ये कैसे कनेक्ट होता है, ये आज हमारा विषय है। जैसा कि मैंने बोला, मैं प्रतीकों के माध्यम से राशियों को, ग्रहों को समझने का प्रयास करता हूँ। तो फिर मेरे लिए ज्योतिष में प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। जब केतु की हम बात करते हैं तो केतु के पास रुंड है, धड़ है, तो मुंड और रुंड की हम बात करते हैं। तो और ये जो रुंड है केतु का, ये अमर है, जैसा आप जानते हैं अमृत पी लिया था उसने। तो पृथ्वीराज चौहान के राज्य तक, इसको अब 100-200 साल हो गए, जब युद्ध होता था तो तलवारों से होता था। तो तलवारों से युद्ध होगा तो आपका सर कट जाएगा, सर कट जाता था तो वो जो रुंड रह जाता था। तो सेना में जो योद्धा होता था उस योद्धा को शुद्ध माना जाता था, शुद्ध योद्धा माना जाता था, इसका रुंड मरने के बाद भी, गर्दन कटने के बाद भी वो अपने रुंड से तलवार चलाता था। ऐसे सिख कम्युनिटी में ऐसे बड़े किस्से हैं कि उनके गुरु अपना गर्दन अपने हाथ में लेके लड़ते हैं। तो वहाँ आपको केतु याद आता होगा कि रुंड रुंड को भी, अगर रुंड में दम है तो, क्योंकि खून तो गर्म होता ही है, खून गर्म होता है क्योंकि जिस एक्शन में आदमी है उस एक्शन को करता रहेगा। वो बैठा हुआ तो है नहीं, युद्ध कर रहा है, योद्धा है, पूरी ज़िंदगी से उसको युद्ध की ट्रेनिंग मिली है, तलवार चलाने की ट्रेनिंग मिली है। तो उसमें जो उसका पूरा शरीर है गले के बिना भी, वो भी एक्शन में रहता है। तो वहाँ तक ऐसा समझा जाता था। और ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं, ये सारी यात्रा जो इस तरह की थिंकिंग की यात्रा थी वो महाभारत के काल अभिमन्यु से शुरू हुई थी। अभिमन्यु यंग था, जवान था, और उसके अंगेश में 7 योद्धा थे, जो ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे जिनके नाम से ही लोग थर्राते थे। वो 7ों से वो लड़ा था, अब अधमराई हो गया था, सब उसके अंग वंग भी काट दिए होंगे उन लोगों ने, उसके बाद भी लड़ा था। तो
ये व्यवस्था तब से थी, वहाँ से लेके पृथ्वीराज चौहान तक के समय तक। उसके बाद तो युद्ध की टेक्निक बदल गई, आप तो रिमोट से यहाँ से किसी को बढ़ा सकते हैं, अब वो बात रही नहीं। तो उससे हम केतु को समझ सकते हैं, केतु का अगर केतु इतना ऐसे कर सकता है तो फिर केतु क्या नहीं कर सकता। एक रुंड इतना कर सकता है तो केतु क्या नहीं कर सकता। जीवन जो है वो विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है। यह स्थिति हमें शनि और केतु के मध्य में बहुत बढ़िया से समझ में आती है। शनि जो है एकदम प्रैक्टिकल ग्रह है और मकर में तो पूरा ही प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल जो ग्रह होता है तो या व्यक्ति होता है तो वो जो यथा स्थिति है उसको मानता है, जो होगी उसको ज़्यादा मानता नहीं है। हालांकि उसका एम तो जो होगी उस पर रहता है, वो अपने भविष्य को सुधारना चाहता है, लेकिन अगर उसे आज दुख है तो वो सुख की कल्पना नहीं कर सकता। वो प्रैक्टिकल होने के कारण वो जानता है कि आज मैं दुख में हूँ, ये दुख है, और दुख को समझता है। जब भी कोई व्यक्ति दुख को समझ लेता है या दुख के साथ आत्मसात कर लेता है तो वहाँ से उसके दुख को समझने की एक नई यात्रा शुरू होती है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। अगर आप सुख में हैं, सुख में तो हर आदमी सुख को समझ लेता है, सुख है, बहुत मस्ती है और उसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप दुख को समझते हैं कि ये मेरा दुख है, ये मेरा कष्ट है, तब आप उसके कारण भी ढूंढते हैं कि इस दुख के कारण क्या हैं। जब आप उसके कारण ढूंढेंगे तो वहाँ से आपकी आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है कि यार मैं अगर फंसा हुआ हूँ, अगर मैं गरीब हूँ या मैं फेल हुआ हूँ या मेरा बिजनेस बैठ गया है या मेरी पत्नी भाग गई है, किसी कारण से तलाक हो गया है, तो सारा दोष उसका तो हो ही नहीं सकता, मेरा भी दोष होगा। जब वो अपने पे आता है तो तब वो सहज होता है। जहाँ सहज होता है तो वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और शनि का जो आध्यात्म है वो आपको प्रैक्टिकल लेवल पर भुगतने के बाद, झेलने के बाद, सब तरह के कष्ट से निवृत्त होने के बाद आप आध्यात्मिक होता है। और अगर केतु वहाँ हो या केतु के नक्षत्र वहाँ हो तो फिर वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा की जो पूरी शुरुआत है प्रैक्टिकलिटी से शुरू होती है, ना कि हवा से। और जब भी कोई आदमी प्रैक्टिकलिटी से व्यावहारिक होकर किसी कार्य को करता है तो फिर उसकी आस्था, निष्ठा और उसका विश्वास अधिक हो जाता है। तो वहाँ पर हम बुद्ध की बात भी कर सकते हैं। तो बुद्ध ने को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 5-6 लोग जो उनके शिष्य बने थे तो दो बात उन्होंने बोली थी, बहुत भी बोली तो बहुत सारी बातें थी, उसमें से दो मुख्य हैं कि जीवन दुख है एंड नथिंग इज परमानेंट। इसका मतलब दुख भी परमानेंट नहीं। तो यह बात शनि आपको बहुत बढ़िया से समझाता है और केतु का यहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। केतु के बारे में प्रसिद्ध है कि पीड़ा देने में केतु मास्टर है। जब केतु पीड़ा देता है तो उसकी पीड़ा अथाह होती है और आदमी कारण भी नहीं समझ पाता। उसे ये मालूम पड़ता है कि इसका कारण मैंने किया नहीं, क्योंकि ये कारण जो हैं ये कार्मिक कारण हैं। वो आपके पिछले जन्म में आप क्या करके आए थे, तो वो कभी जागृत हो जाता है। भुगतना तो पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है, आगे पीछे हो सकता है समय। तो केतु जब इस अवस्था में व्यक्ति को लाता है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अगर वो किसी पंडित के पास जाए, पंडित जी के पास जाए, उनसे पूछे, तो कई बार पंडित जी भी चकरा जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम तो गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसा आदमी बोलता है, मैं झूठ मैं नहीं बोलता, धोखा मैं नहीं देता, गड़बड़ मैं नहीं करता, रिश्तेदारों का मैं ध्यान रखता हूँ, मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाता, मंदिर मैं जाता हूँ, पूजा मैं करता हूँ, सारे शिवलिंग मैंने देख लिए, सब तो मैंने कर लिया, तो इस जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं। तो केतु आपको कहाँ से पकड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। एक और विरोधाभास है जो शनि और केतु में है। शनि चूँकि व्यवहारिक ग्रह है तो इसी जन्म में आपको आपके कर्मों के फल देता है। अधिकतर 90% से ऊपर कह सकते हैं इसी जन्म में जो आपने गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की हैं, रॉन्ग डूइंग आपकी हैं, उसका फल देता है। और जब आप उस यातना के दौर से गुजर जाते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या न्याय से संबंधित हो, या कोई और हो, फिजिकल हो, तो शनि आपको माफ़ कर देता है, कहता है चलो आपने जो किया
उसको मैंने माफ़ किया, लेकिन केतु आपको माफ़ नहीं करता। केतु शनि जैसा दयालु नहीं है। केतु का प्रोसेस है कि आपको भुगतना पड़ेगा, जब तक आप पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। लेकिन जब आप संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि अब मैं नहीं करूँगा, फिर केतु भी दयालु हो जाता है। केतु कहता है यस, अगर आप तैयार हैं अब भी अपने को बदलने को, तो ये बदलाव बना भी रहेगा आपका, तो फिर मैं आपको इस जन्म में भी मदद करूँगा और अगले जन्म में मदद करूँगा। इसलिए हम बोलते हैं कि केतु से बड़ा आध्यात्मिक ग्रह कोई नहीं है। केतु आपको पूरी तरह से स्वच्छ करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, बुद्ध करना चाहता है और शिवोहम करना चाहता है। तो आपको जड़ से एक ऊपर से नीचे तक, आकाश से लेकर ज़मीन तक, पाताल तक, वहाँ तक शुद्ध करने के मूड में है। इसलिए और जन्मों के जो आपके कष्ट हैं उनको निकाल के फिर जब वो आपको एक आध्यात्मिक मार्ग में डालता है, तो फिर आप लौट के इस दुनिया में नहीं आते। तो ये थोड़ा विरोधाभास है शनि और इसमें, लेकिन इन दोनों में एक कनेक्टिविटी है। हम उस कनेक्टिविटी को ढूंढते हैं। अब हम कुछ कुंडलियों की बात करेंगे, जिसमें इस नक्षत्र में केतु इस नक्षत्र में था तो उन लोगों ने अपने जीवन में कैसे कैसे कमाल किया। पहली कुंडली गौतम गंभीर की है, हम उनकी बात करते हैं। इनको मैं जानता था जब ये इतने छोटे से थे तब आया करते थे, उसका क्या जिक्र। कुंडली की बात करते हैं, इनकी मिथुन लग्न कुंडली है, दूसरे में राहु है, तीसरे में मंगल है, चौथे में सूर्य है, शनि है, गुरु है, पांचवें में बुध है, छठे में शुक्र है, आठवें में केतु है और एकादश में चंद्रमा है। तो इनका जो केतु है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, यानी सूर्य के इन नक्षत्र में, और सूर्य यहाँ पर चित्रा के नक्षत्र में। इवन नक्षत्रों की थ्योरी है, इसमें अलग से कोई कभी बात करूँगा। तो केतु की दशा तो नहीं थी इनको, लेकिन जब इनको बाकी दशाएं चंद्रमा की आई थी तो इन्होंने बहुत अपना नाम पैदा किया था, और चंद्रमा इनका भरणी के नक्षत्र में। तो यह नक्षत्र आदमी को बहुत आगे पहुँचा देता है, तो एग्रेशन बहुत देता है। एग्रेसिव ये हैं ही, तब भी थे और आज भी हैं, लेकिन सफलता देता है। और चूंकि सूर्य का नक्षत्र है और केतु की जो दोस्ती है कुछ लोगों से, कुछ ग्रहों से बहुत ख़ास है, गुरु से तो है ही, और दूसरी जो उसकी दोस्ती गहरी दोस्ती है सूर्य से है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है, ये मोक्ष का ग्रह है, तो इन दोनों का कनेक्शन है। तो जहाँ पर भी केतु इसमें होगा, यानी उत्तर सूर्य के नक्षत्र में होगा, तो वो व्यक्ति अपने फील्ड में कुछ डिफरेंट करेगा। अपनी कुंडली का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी कुंडली में भी केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में, तो क्योंकि वहाँ आत्मा से संबंध हो जाता है। तो आदमी एक गोल को लेकर चलता है जीवन में। इनका भी गोल था बचपन से, मुझे कुछ विशेष करना है और दुनिया को दिखाना है, ये भाव रहता है, और अपना एक मुकाम पाना है, तो उन्होंने पाया और भगवान ने और भी सफलता दी। एक और कुंडली है, ये महिला की कुंडली है, और कुंडली बता देता हूँ, इनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो ये तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में चंद्रमा है, चतुर्थ में केतु है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में सूर्य है, बुध है, शुक्र है, और दशम में राहु है, एकादश में गुरु है और शनि है। यहाँ पर जो केतु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में। ये जो महिला हैं, इनकी जब शादी हुई तो इनके पति बड़े ऑर्डिनरी थे, और उसके बाद शादी के बाद वो बिलियनेयर हो गए, यानी हज़ारों करोड़ के मालिक हो गए। यहाँ जो केतु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा स्वाति के नक्षत्र में। मैंने बोला मेरे नक्षत्रों की थ्योरी है, वो राहु के नक्षत्र में। तो इनकी पति से नहीं बनती,
वो शायद ये सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में केतु उतना अच्छा फल नहीं देता जितना देता है। कहने को तो ये कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी परिवार से आप आए और आपका पति इतना बड़ा आदमी हो गया, लेकिन अगर आपको सुख नहीं है, बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, अगर सुख नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो केतु चंद्रमा के नक्षत्र में मानसिक कष्ट देता है और इनका संबंध पूर्व जन्म से है, इसलिए ये कष्ट अभी समाप्त नहीं हुए और शायद नियर भविष्य में समाप्त भी नहीं होंगे। एक और कुंडली हमारे पास, वो करीना कपूर की है, कुंडली की बात कर लेते हैं। धन लगाने कुंडली है, सेकंड हाउस में चंद्रमा है, केतु है। केतु यहाँ धनिष्ठा में है, मंगल के नक्षत्र में, राहु अष्टम में है, शुक्र अष्टम में है, गुरु नाइन्थ में है और टेंथ में सूर्य है, शनि है, बुध है और एकादश में मंगल है। यहाँ देखिए अंतर आ गया, ये जो केतु है वो मंगल के नक्षत्र में है और इस कुंडली में धनु लग्न में मंगल काफ़ी सपोर्टर होता है और सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में वहाँ पर चंद्रमा भी है, एक्ट्रेस के लिए, एक्टर के लिए सेकंड हाउस वाणी का भी है, चेहरे का भी है। तो चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी वाणी, इन दोनों में ये तो कलाकारी हैं, इसमें कलाकारी इनकी कुछ ज़्यादा ही है, अभिनय में ये टॉप पर हैं और शुरू से ही, पहली फिल्म से ही ये एकदम से इन्होंने जो राइज किया तो अभी तक इनका वही रुतबा बुलंद है, जबकि अब ये 40 साल से ऊपर की हो गए। तो कहने का मतलब ये 20 साल से ये फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही हैं और आज इनका उसी तरह से अक्षुण चल रहा है। वर्तमान में गुरु की दशा है तो गुरु की दशा में कोई दिक्कत नहीं है। 23 के बाद 2023 चल रहा है, इसके बाद स्थितियाँ थोड़ा बदलेंगी तो हीरोइन के लिए नेचुरली हीरोइन वाले रोल नहीं रहते, बदल जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर केतु यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सेकंड भाव में है तो ये स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस है। अगर आप इनके हाव भाव देखें, जी पुरानी फिल्में देखें तो चेहरे के जो हाव भाव हैं वो स्थिति के अनुसार से बदल लेना, ये भी एक कमाल की बात है। तो हम देख रहे थे केतु अगर मकर में हो, शनि की राशि में हो तो आदमी को प्रैक्टिकल बनाता है और जो प्रैक्टिकल बनाता है तो फिर वो अपने जीवन में कुछ कमाल करता है। बीच में एक महिला की कुंडली देखी, वो प्रैक्टिकल हैं लेकिन आज उनको उतना सुख नहीं है, तो हो सकता है शनि 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 गच्छति संचरा, तो शनि कभी आगे चलकर भी रिजल्ट देता है, इसलिए शनि अन्याय नहीं करता है, न्याय करता है। हमको लगता है न्याय आज होना चाहिए लेकिन न्याय कभी कभी बाद में भी होता है। मिलते हैं अगली बार एक नई राशि के साथ और केतु के अध्यात्म। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।